बच्चों, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है। कब? 18 की डेट में, 18 अगस्त 2022 यानी कल की डेट में, है ना, यस्टरडे। तो ऑलरेडी मैंने इस को जो है सबसे पहले अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर दिया था इस सर्कुलर को, ताकि भाई पढ़े लिखे हो सब लोग पढ़ लो और पढ़ के समझ लो कि एग्जिट एग्जाम होने वाला है। कब होने वाला है? नवंबर में होने वाला है। कौन सा नवंबर? 2022। ठीक, तो उसके बाद भी बच्चों के कमेंट ही थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने डाला भी है, कल ही की डेट में डाल दिया। मैंने सोचा अपडेट कर दिया, अननेसेसरी समय क्यों बर्बाद करना सिर्फ इस पे बना के। तुम लोग पढ़े लिखे हो, प्रीवियस में भी कई वीडियो एग्जिट एग्जाम पे मैं बना चुका हूँ, तो इतना समझदार हो, लेकिन समझदारी तुम लोग दिखाते नहीं हो। सर एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे क्या होगा, तैयारी शुरू करा दीजिए, है ना। तो देखो कुछ खास चीजें जो बाकी लोगों ने शायद नहीं बताई या बताई हो, मैंने देखा नहीं, है ना। तो ये जो सर्कुलर है पीसीआई की तरफ से एग्जिट एग्जाम को लेके 18 अगस्त को जो जारी किया गया है, ये जितने भी पीसीआई से अप्रूव्ड कॉलेज हैं उनके कॉलेज में ये कल ही की डेट में सेंड कर दिया गया है। ठीक, अपने अपने मेल आईडी पे चेक करवा लो, नहीं चेक हुआ तो फिर देख लो भाई पीसीआई अप्रूव्ड हो कि नहीं। अब 371st एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई, पीसीआई की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, पढ़ चुके हो ना इलेक्टेड मेंबर्स वगैरह सब जुरिस्प्रूडेंस में या फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में पढ़ा चुका हूं, है ना। उन्होंने कल की डेट में एक मीटिंग रखी थी यानी 18 अगस्त को, उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया। अच्छा, ये मीटिंग इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि बीच बीच में सब चिल्लाते रहे तो कुछ भी हो जाए एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल पड़ जाते हो। इसीलिए देखते होगे हर महीने दो महीने, जब से ये एग्जिट एग्जाम का जिन चिराग से बाहर आया है, तब से जब भी ये हवा तेज होती है कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, तो तुमको टेंशन देने के लिए या तुमको पढ़ाई पे ध्यान दिलाने के लिए एग्जिट एग्जाम का कोई ना कोई सगुफा छोड़ दिया जाता है। आज की डेट में मींस 18 कल की डेट में जो सर्कुलर आया है, इसमें भी कुछ खास नहीं दिया, जो पहले देते थे वही अभी भी है। क्या कहते हैं मीटिंग में, इन्होंने क्या कहा कि एग्जिट एग्जाम मे बी हेल्ड, एग्जिट एग्जाम मे बी हेल्ड ऑन 18 अगस्त 2022। अभी भी मे बी हेल्ड है, कंफर्म अभी भी नहीं है। मुझे यह नहीं समझ में आता इस नोटिफिकेशन की जरूरत क्या थी। एग्जिट एग्जाम होगा ये पहले भी बोल रखा था है आपने, है आज भी यही तो है कि एग्जिट एग्जाम होगा, ये कब कहा कि मतलब होने की संभावना है, ये कब कहा कि होगा। देखो तुम लोग, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अच्छा सब्जेक्ट जान लो भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, है ना। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, डीएसबीएम, है ना। ये सब्जेक्ट जो है इन्होंने बोले हैं कि हम पूछेंगे। अब इन सब्जेक्ट को मिला के, इन सब्जेक्ट को मिला के ये क्या करने वाले हैं, ये 3 सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे इन, ये जो 8 सब्जेक्ट आपके हैं, है ना, इनको मिला के ये 3 सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर, 3 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, मींस इनको घोल मोल करेंगे, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, ऐसा कुछ करके कंबाइंड करके कुल मिला के इनको 8 से 3 पेपर बनाने हैं। अब ये जो 3 पेपर होंगे ये 3-3 घंटे के होंगे, कितने 3-3 घंटे के होंगे, ठीक 3 घंटे में पेपर देने होंगे। सबसे बड़ी समस्या जो है, ये सब मेरे लिए कोई समस्या नहीं, एग्जिट एग्जाम होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये सब टेंशन की वजह है ही नहीं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी टेंशन है तुम लोगों को लेके, वो है लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, बच्चों की एक ही डिमांड रहती है, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा समझाएं,
हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं, और ये जो पेपर होगा ये होगा इंग्लिश में, किस में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में। समस्या ये है, एग्जिट एग्जाम समस्या नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी आज भी टेंडेंसी यही है कि तुम हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हो। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखो हम लोग क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाते हैं, हमें मालूम है कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो प्योरली इंग्लिश समझ पाए, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो प्योरली हिंदी समझ पाए, ठीक, प्योरली हिंदी हम भी नहीं बता भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं मिक्स में समझाने की, मिक्स में समझो। दूसरी चीज ये सब्जेक्ट, अब बात ये उठती है कि अगर नवंबर में हुआ तो कौन देगा एक चीज, तो अभी जिन्होंने सेकेंड ईयर का एग्जाम पास किया है ये बच्चे हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसी, हॉस्पिटल ट्रेनिंग ये लोग कर रहे होंगे, है ना, कुछ बच्चों की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होगी क्योंकि 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है, तो क्या इनको देना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है क्या इनको देना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है क्या इनको देना पड़ेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखो मेरा अपना, देखो इन्होंने तो अभी कुछ कंफर्म किया नहीं है, लेकिन जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आपने नवंबर के पहले या इस या कोई और अपडेट आए, देखो ये 2-3 महीने पे अपडेट देते हैं, ये मान के चलो कि अभी अगस्त से सितंबर में कोई अपडेट नहीं आने वाला, अगला अपडेट अगर इनका कुछ आता है तो मान के चलो कि अक्टूबर 2022 में आएगा। अगले अपडेट में इन्होंने अगर कुछ नहीं कहा तब तो ठीक, आप लोग भाई बच गए, जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है वो बच गए। तो मेरा अपना मानना है कि जिन्होंने सेकेंड ईयर का दिया है फटाफट ट्रेनिंग करो कंप्लीट, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और रजिस्ट्रेशन करा लो, आपका वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ ये सब फालतू की चीजें कुछ नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बार अप्लाई कर दो, आप ट्रेन इस एग्जिट एग्जाम से बच जाओगे, ठीक। तो लेकिन अगर नवंबर तक, अगर नवंबर में इन्होंने मे बी हेल्ड जो लिखा है, मे बी हेल्ड को कंफर्म कर दिया कि नवंबर में होगा, तो बेटा तुम फंस जाओगे जो सेकेंड ईयर में एग्जाम दिए हो, फंस इसलिए जाओगे क्योंकि तुम्हारे हिसाब से पेपर नहीं बनने वाला, पेपर किस हिसाब से बनेगा, आज की डेट में सिलेबस चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है, कहने में लगता है कि फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर में मिला दिया गया, सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर में मिक्स कर दिया गया, सब्जेक्ट वही है, लेकिन आप सब्जेक्ट के अंदर घुस के देखो, हम तो पढ़ा रहे हैं, जमीन आसमान का चेंज आ गया है, जो 2 साल में केमिस्ट्री पढ़ते थे वो 1 साल में पढ़नी है, जो फार्मास्यूटिक्स 2 साल में पढ़ते थे वो 1 साल में पढ़नी है, टॉपिक भी बहुत सारे ऐड हो गए हैं, इतने स्ट्रक्चर तो दोनों साल मिला के नहीं थे जितने 1 साल में केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, है ना, तो चीजें आसान नहीं होंगी। सब्जेक्ट हमने बताया फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एचएनसीपी, फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स को ही बोलते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस इसी को बोलते हैं, और डीएसबीएम, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो आज की डेट में कम्युनिटी फार्मेसी बना दिया गया है, कम्युनिटी फार्मेसी बना दिया गया है, नहीं तो आप लोग कहोगे ना कि सर डीएसबीएम तो सब्जेक्ट नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो इसी को कम्युनिटी फार्मेसी के नाम पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, 3 पेपर बनेंगे मिक्स करके, पेपर इंग्लिश में बनेगा, 3 घंटे का पेपर होगा, सबसे बड़ी चीज कि इसमें सप्लीमेंट्री नहीं लगती, बैक नहीं लगती, 3 पेपर में एक भी पेपर में अगर आप पास नहीं हुए, जो भी उनका पासिंग मार्क है, अगर पास नहीं हुए एक भी पेपर में तो क्या करोगे, आप फेल हो जाओगे। दूसरी बात, साल में दो बार इसका एग्जाम होगा, ठीक। एक बड़ी चीज और कि जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है इनका होगा कि नहीं होगा, अगर ये मे बी हेल्ड की जगह कंफर्म हो गया, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है कि इनको कंफर्म देना पड़ेगा,
फर्स्ट ईयर वालों को कन्फर्म देना पड़ेगा। अब जिन्होंने अभी तक एडमिशन लिया है कि नहीं लिया, इनको देना पड़ेगा कि नहीं? एक बार शुरू हो गया तो बंद नहीं होगा, फिर वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, इनको भी देना है। ठीक, ये तीनों सवालों के जवाब मिल गए। एक बड़ा सवाल ये कि सर हमने अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, हमारा सेकेंड ईयर का सेशन चालू होने वाला है। क्वेश्चन समझो, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है और सेकेंड ईयर का सेशन स्टार्ट होने वाला है, नवंबर तक तो हमारा कोर्स ही पूरा नहीं होगा, नवंबर तक तो हमारा कोर्स ही पूरा नहीं होगा, हम एग्जाम किस तरह से देंगे? राइट, बड़ा क्वेश्चन है ना, कि नवंबर तक तो हमारे यहां कोर्स पूरा नहीं होगा, हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो, दे पाओगे। होता क्या था, मैं अपना एक्सपीरियंस, जिससे जो लोग बीफॉर्म किए हैं, बीफॉर्म में पढ़ रहे हैं, जब मैं बीफॉर्म में पढ़ रहा था तो गेट का एग्जाम होता था। क्या होता था? गेट का एग्जाम। इस गेट को एग्जाम के आज की डेट में जीपैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपैट बोलते हैं, है ना, जो हमारे टाइम पे गेट था, आज की डेट में जीपैट हो गया। 2009 से ये 2008 तक गेट था और 2009 से ये जीपैट हो गया। ठीक, तो जब हम लोग देखो कायदे से गेट का जो सिलेबस होता है वो 4 साल का जो बीफॉर्म का सिलेबस होता है उसके हिसाब से होता है, लेकिन जब हम थर्ड ईयर में होते हैं, जब हम थर्ड ईयर में होते हैं तब हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक, मतलब जब आप सेकेंड ईयर अपियरिंग हो तो तैयारी करके जाओ, नवंबर में एग्जाम दो अगर होता है तो, और अगर पास हो गए तो फाइनली जब सेकेंड ईयर पास हो गए तो आपको ये एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, अगर इसमें नहीं भी होता है, नवंबर में हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। नवंबर में नहीं होता, नवंबर में फॉर्म अप्लाई करो, एग्जाम दो, तुमको पैटर्न पता चल जाएगा किस पैटर्न पे एग्जाम आने वाला है, प्लस एग्जाम के में जब आप बैठते हो तो कौन सा प्रेशर पड़ता है, कितना प्रेशर आता है, उसका अंदाजा लग जाएगा। मींस यूज टू हो जाओगे एग्जिट एग्जाम देने के लिए, डर खत्म हो जाएगा, पता हो जाएगा किस तरह से पेपर आएगा, कितने घंटे का, कैसे क्या, जो हमने बताई सारी चीजें सही है कि नहीं। उसके बाद जब सेकेंड ईयर पास हो गए, साल में 2 बार होना है, नवंबर होगा 6 महीने बाद फिर, यानी जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक एग्जाम के पहले या बाद में, फिर से ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा मई जुलाई के आसपास, राइट। तो दोबारा में जो गलतियां पहली बार में हो गई हैं, जिन बच्चों का नहीं होगा वो दोबारा के लिए तैयार हो जाएंगे, वो गलतियां नहीं करेंगे और उनका आराम से निकल जाएगा। इसलिए अगर नवंबर में होता है तो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में गए हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो, इनको एग्जाम देना पड़ेगा, बच नहीं सकते, ये कंफर्म है, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। एक शब्द में बहुत सारे चैनल वालों ने बहुत बात बोली, बच्चों ने बताया कि सर वो चैनल वाले बता रहे हैं एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, आप लोगों को नहीं देना। मैंने कभी ये बात कही ही नहीं कि नहीं देना, मैंने हमेशा इन फर्स्ट ईयर के बच्चों को यही कहा आपको देना पड़ेगा, जो सेकेंड ईयर में, मैंने हमेशा यही कहा कि आपको नहीं देना पड़ेगा, अगर सही तरीके से चलोगे तो नहीं देना पड़ेगा सेकेंड ईयर के जो हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के इनको देना पड़ेगा। अब तुम मनाओ कि जो नवंबर की डेट है ये कंफर्म हो जाए, कंफर्म हो जाएगी तो तुमको 2 बार मौका मिल जाएगा, एक नवंबर में, एक जब तुम्हारा एग्जाम पास होगा। मैं कहता हूं बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत सारे बच्चे नवंबर में ही एग्जाम देंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे, बात समझे? अगर क्वालिफाई कर गए तो टेंशन फ्री, आराम से खाली डिप्लोमा की तैयारी करो, आप जब पास हो गए तो दोबारा थोड़ी देना है, वैलिडिटी रहेगी ना उसकी, बात समझे? फिर कब, जब रिन्यूअल आने वाले समय में, अभी देखो रिन्यूअल पे ये एग्जाम लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये रिन्यूअल पे भी लागू होगा। जिस हिसाब से देखो, इनको क्या है, फार्मेसी की इमेज को बढ़ाना है पीसीआई को, जो कोई भी आप देखते होंगे लोग मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं, कहीं नहीं जाते, मस्त मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और अपना डिप्लोमा की डिग्री पैसा दे के खरीद ले रहे हैं। ऐसे लोगों को, जिनके पास फार्मेसी का नॉलेज नहीं है और डिप्लोमा लेके बैठे हैं, ऐसे लोगों को फील्ड से बाहर करना है। फार्मेसी में रहना है तो फार्मेसी फार्मासिस्ट जीवन भर बनना पड़ेगा, इसीलिए हर 5 साल पे जब आप रिन्यूअल के लिए जाओगे तो ऐसे एग्जाम का प्रोविजन आने वाले समय में हो जाएगा, वो अलग बात है कि 2-4 साल बाद होगा। और जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, इनका तो होना ही होना है, अभी ये एग्जाम डिप्लोमा लेवल पे, डी फॉर्म पे, बी फॉर्म पे लागू नहीं हुआ है, बी फॉर्म पे लागू नहीं हुआ है, तो डिप्लोमा में एडमिशन सोच समझ के लेना। लेकिन अगर बी फॉर्म में जाते हो, क्या पता फार्मेसी का एग्जाम है बाद में, जब तक तुम पास हो तब तक बी फॉर्म में भी लागू हो जाए, बात समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। सब्जेक्ट बता दिए मैंने,
कितने आर्ट्स का होगा, तीन में से तीन सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर नहीं पास हो पाते हो तो ये एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। इसलिए मनाओ मन में अपने कि ये नवंबर में हो जाए तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा ये फर्स्ट ईयर वालों का होगा, जो अभी फर्स्ट ईयर पास आउट हुए हैं, है ना। और अगर सेकेंड ईयर का कोई बच्चा फंस गया इस पचड़े में फंस गया तो बड़ी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तो सिलेबस पूरा चेंज है, बड़ी समस्या। अब एक बड़ी चीज, जरा डस्टर देना, एक बड़ी चीज बताता हूं कि एग्जिट एग्जाम की तैयारी, है ना, क्या चीज, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से करें, सर तैयारी करवा दीजिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना। तो मेन चीज है ये एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन। देखो टिप देता हूं, वैसे तो मैं अपने चैनल पे एग्जिट एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। देखो मैंने पहले भी कहा कि मैंने जीपैट और गेट दोनों क्वालिफाई किया है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये मुझे पता है। आपका एग्जिट एग्जाम कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, मींस मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा, राइट। ये भी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी होगा, ठीक, मल्टीपल चॉइस बेस होगा। कंप्लीट तैयारी अपने चैनल पे कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, ठीक, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं। और तैयारी कैसी होगी, 100% मींस पढ़ने वाला बच्चा, अभी के लिए मेरी एक टिप है, क्या करो, मेरे अपने चैनल पे ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने आठों लिख रखे हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके एमसीक्यू ना पढ़े हों, भाई सिलेबस यही है जो आपके दो साल का है, इन दो साल के हिसाब से क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, मींस एमसीक्यू पड़े हुए हैं फिलहाल के लिए, उनको रातों दिन लगाना शुरू करो, बात समझे, रातों दिन लग जाओ इस पे, नवंबर दूर नहीं है। और जितने बच्चे फर्स्ट ईयर से अभी सेकंड ईयर में गए हैं, मेरा अपना मानना है कि इतनी तैयारी कर लो कि नवंबर में अगर एग्जाम होता है, देखो अगर मैं हमेशा लगा देता हूं क्योंकि कंफर्म अभी भी नहीं है, है ना, अगर होता है तो तुम्हारे लिए वरदान होगा। तो तुम क्या करो, नवंबर में ही निकाल के ले जाओ, ताकि जब मई जून में उधर एग्जाम दो तुमको कोई टेंशन ना रहे कि यार अभी एग्जिट एग्जाम भी देना है, बात समझे कि नहीं। तो एमसीक्यू सफिशिएंट पड़े हुए हैं, एक आधा नोटिफिकेशन और आने दो कि क्या कहते हैं ये, इनमें जो सिलेबस है वो कंप्लीट दे रहे हैं कि कुछ कट कर रहे हैं, प्लस किस सब्जेक्ट को किसके साथ मर्ज कर रहे हैं ये अभी तक नहीं बताया, क्योंकि भाई आठ सब्जेक्ट को आप जो है क्या करने वाले हो, तीन सब्जेक्ट बनाने वाले हो, है ना। तो ये सारी चीजें अभी क्लियर इन्होंने नहीं की है, तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाए उसके बाद फिर जो है हम एग्जिट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करवा देते हैं उसी हिसाब से, बात समझे। फिलहाल के लिए आपके लिए क्या है, होमवर्क। अब जो लोग अभी फर्स्ट ईयर पास आउट हुए, सेशन नहीं स्टार्ट हुआ, मस्त जो बाइक लेके घूम रहे थे बाहर, है ना, थोड़ा सा घर के अंदर आ जाओ और वापस से अपनी किताबों की धूल झाड़ लो, और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है ना, एमसीक्यू लगाना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, सही समय पे सही इंफॉर्मेशन, दूसरी सही नॉलेज और सही कंटेंट, सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको पढ़ा कोई भी सकता है लेकिन सही कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे शॉर्ट में पढ़ाओ उनके लिए यही जवाब है, एग्जिट एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कुछ नहीं पता है, तो शॉर्ट में ना पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, कैसे पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, ठीक है। और डिटेल में कहां पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे मेरे चैनल पे, बात समझ गए। तो पढ़ते रहो, कोई और अपडेट आएगी तो जब पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उसके बाद ही, वैसे मैं कम्युनिटी टैब पे वैसे भी जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं अपडेट कर देता हूँ, तो कम्युनिटी टैब देखते रहो, ओके, चलो बाय।